हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है देयर सिचुएशन विदाउट यू। अगर आप इस पर्सन की लाइफ में नहीं है, कांटेक्ट में नहीं है, आप लोग का आप लोग की कम्युनिकेशन नहीं है, तो हम देखते हैं इस पर्सन की क्या सिचुएशन है आपके बिना। ठीक है, ये किस अपने स्टेट में है, ठीक है, क्या सोच रहा है। लेट्स सी देयर सिचुएशन विदाउट यू। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। ठीक है, चलें अपने पर्सन को मेडिटेट करें और हम देखते हैं कि आपके पर्सन की सिचुएशन आपके बिना क्या है, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की सिचुएशन आपके बिना क्या है, आपके पर्सन की सिचुएशन आपके बिना क्या है, ये पर्सन कि क्या एनर्जी है। ठीक है, सबसे पहले एनर्जी चेक करेंगे एनर्जी ओरेकल से, आपके पर्सन की सिचुएशन आपके बिना क्या है। अपने पर्सन को मेडिटेट करें। आपके पर्सन की सिचुएशन आपके बिना क्या है। थर्ड चक्रा आर्कएंजल, ये पर्सन इस वक्त अपना अपने आप को हील कर रहा है। ठीक है, माइंड बेहद इसका स्ट्रेसफुल कंफ्यूज, इसको हीलिंग की नीड है। ठीक है, हील कर रहा है खुद को, ये आपको अप्रिशिएट करता है। आप इसकी लाइफ के लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट पर्सन है। ठीक है, अब आप अपने लाइफ आप इसको आप कहीं भी समझते हैं अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, ये आपको अप्रिशिएट करता है, ये आपसे बहुत अट्रैक्टिव है। इसकी लाइफ में अगर ये मेल है, इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा फीमेल्स रही हैं, तो इसने आपके जैसा इंसान कभी एक्सपीरियंस नहीं करा। ठीक है, और अगर आप कोई फीमेल है और ये कोई मेल है, मतलब के जो भी है, स्पेसिफिक जेंडर नहीं है। ठीक है, जेंडर को आप खुद स्विच कर लिएगा, लेकिन यहाँ पर इस पर्सन की लाइफ में आप जैसा कोई इंसान नहीं आया। इस और भी लोग जो आए तो वो एक डिफरेंट तरीके के थे, या डिफरेंट उनके अंदर चीज़ें थी। आप शायद कोई इसके उससे डिमांड नहीं करते, कोई कंडीशन नहीं रखते। आप लव करते हैं तो एक सिंपल लव करते हैं। ठीक है, आपको आपको लव के अंदर आपकी कोई नीड्स, आपकी कोई ज़रूरियात, आपका कोई मतलब कि आपको कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, आप अगर एक कनेक्ट इस पर्सन के साथ कनेक्टेड हैं तो बहुत प्योर, एक लविंग, बहुत जेंटल, बहुत इनोसेंट। ठीक है, ये पर्सन आपको उस तरीके से देखता है, अप्रिशिएट करता है ये पर्सन आपको। इस पर्सन ने आपके जैसा इंसान एक्सपीरियंस नहीं करा अपनी ज़िंदगी में। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन एंड द टेंपल पाथ। ठीक है, इसकी लाइफ में आपसे पहले जो भी लोग आए वो या तो पैसे से अट्रैक्ट होके आए, या उन्होंने बहुत ज़्यादा जैसे डिमांड करी है इससे। ठीक है, पैसे से, चीज़ों से, बहुत एक डिमांडिंग लोग रहे हैं इसकी ज़िंदगी में। ठीक है, इससे पहले अगर ये एक्सपीरियंस इसके रहे हैं तो बहुत इसने उनकी ख्वाहिशात या उनके ऊपर इन्वेस्ट किया है। ठीक है, स्पेंड किया अपना मनी, अपने अपनी जो भी चीज़ें थी। ये जानता है कि आप एक टेम्पल पाथ बहुत स्पिरिचुअल काइंड, बहुत एक काइंड हार्टेड। ठीक है, एक लॉयल, एक ऑनेस्ट, तो वो वाली एनर्जी है। इसने अपनी ज़िंदगी में जितने भी लोगों को इससे पहले एक्सपीरियंस करा है, वो बहुत ज़्यादा एक मटेरियलिस्टिक चीज़ों से अट्रैक्ट होकर, या मटेरियल की वजह से, या तो इसको बहुत अगर ये मटेरियल इसके पास इतने अच्छे, इसके पास इसकी लाइफ में इतना अच्छा अर्निंग भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, कोई अच्छी पोस्ट भी नहीं है, तो फिर भी इसकी कोई इसके इससे कुछ ना कुछ मांगा है, कुछ ना कुछ लिया है। आप लोग के बीच जो भी चीज़ें हैं, ये चाहता है सॉर्ट आउट हो जाए। ठीक है, सब चीज़ें फिक्स हो जाएं। ठीक है, एडजस्टमेंट एंड पॉसिबिलिटीज़, ये चाहता है। बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट हो गया है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब सिचुएशन हो चुकी है, लेकिन इसको रियलाइजेशन बहुत देर से होगी। ठीक है, इनडिसिजन, डिसीड, इसने पास्ट में, इसके अंदर एक फैक्टर है। ठीक है, ये क्या करता है, जब इसको लगता है कि चीज़ें आप, जब तक इसने आपके ऊपर कम्प्लीटली ट्रस्ट नहीं करा,
कम्प्लीटली आपके साथ कनेक्ट नहीं हुआ जब तक इसने एक चीज़ नहीं देखी ना कि एक डिसीट वाली एनर्जी, या आपको डिसीट ऐसा नहीं, इसने सोचा भी है कि इसने आपके साथ अपनी अपनी लाइफ में रहते हुए भी इनडिसाइडेड रहा, ये एक डिसीट वाली एनर्जी है, ठीक है। ये बात इसने आपसे छुपा के रखी है कि ये आपकी लाइफ में तो है, आप इसका वेट भी करते हैं बहुत ज़्यादा, आप एक एक जेन्युइन पर्सन की तरह ये बात भी जानता है, लेकिन इसके अंदर एक इनडिसाइजिव एनर्जी है, ठीक है। मतलब कि इसको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आपको डिसीट देता है, कहीं ना कहीं आपको धोखा देता है, क्योंकि ये इनडिसाइजिव है, इसके माइंड में राइट या लेफ्ट ये चलता रहता है, ठीक है। इसको करना क्या चाहिए आपके साथ, या तो फ्यूचर देखना चाहिए तो नहीं देखना चाहिए, तो आप किसी और के साथ देखना चाहिए, ठीक है। ये एक डिसीट वाली एनर्जी, इस पर्सन को लगता है जितने आप प्योर हैं, जितने आप लॉयल हैं, जितने आप ऑनेस्ट हैं, ये उतना कुछ नहीं है, ठीक है। इतना कुछ इसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं है, जबकि इसको ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, मुझे यहाँ कनेक्टेड होना चाहिए, क्योंकि आप कनेक्टेड प्योर तरीके से हैं। जब आप नहीं होते, जब आप इसकी लाइफ में ही सब कुछ, मतलब कि एक सेपरेशन होता है, या तो आप जब ये आपकी खूबियां उस वक्त काउंट कर रहा होता है, ठीक है, ये उस वक्त आपकी खूबियां काउंट कर रहा होता है कि आप कितने कॉम्प्रोमाइज करने वाले पर्सन हैं, और इसकी इस सोच के बावजूद भी आप इसका इंतजार करते हैं। शायद ये फर्स्ट टाइम आप लोग का ब्रेकअप नहीं हुआ, फर्स्ट टाइम आप लोग के बीच डिस्टेंस नहीं आया, ये फर्स्ट टाइम सेपरेशन नहीं आया, या तो लेस टू कॉन्टेक्ट हो जाता है, या तो कोई नेगेटिविटी आ जाती है, लेकिन जो भी हुआ है फर्स्ट टाइम नहीं हुआ, ये आप जानते हैं, फिर भी आप इस पर्सन को वापस एंट्री देते हैं, या फिर भी आप इस पर्सन का दोबारा से इंतजार करते हैं, आप बार बार कोशिश करते हैं चीज़ों को एडजस्टमेंट और पॉसिबिलिटीज की, ठीक है। आप जानते हुए भी ये सब कुछ कर रहे होते हैं, आप जानते हैं ये पर्सन इस एनर्जी में आ जाता है, ठीक है। गॉडेस ऑफ द मून, आप जानते हैं पर्सन आपसे झूठ बोलता है, ठीक है, ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ, ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, आपके दिल में लव है, आप शायद ये पर्सन इस बात को जब आप लोग के बीच डिस्टेंस होता है इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है, आपके दिल में लव है, आप इसीलिए करते हैं, आप प्योर एक ऑनेस्ट लव रखते हैं, तभी आप इस तरीके की, आप इसी तरीके का डिसीजन लेते हैं कि चीज़ों को सॉल्व किया जाए, चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जाए, ना कि इधर यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट किया जाए, ठीक है। आप इसलिए, ये जानता है कि आपका दिल बहुत ज़्यादा इसके लिए काइंड हार्ट पर्सन है, ठीक है। वॉकिंग अवे, लेकिन इस पर्सन को पता है आप जितने काइंड हैं, जितना आपका दिल काइंड है, लेकिन जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, एक ना एक दिन आप चले जाएंगे, आपका एक ना एक दिन जाना है, क्योंकि अगर ये पर्सन अपनी चीज़ों को चेंज नहीं करता, अगर इसके अगर ये आपके लिए कुछ डिसाइड नहीं करता कि आप कम्प्लीटली इस पर्सन की लाइफ से जा सकते हैं, अगर आपको कोई कम्प्लीटली क्लैरिटी कभी ना दी गई तो यहाँ पर आप चले जाएंगे, ठीक है। आपको अगर यहाँ पर दिखा कि फ्यूचर नहीं है तो आप मूव ऑन करने में भी टाइम नहीं लगाएंगे, आप इस सिचुएशन से वॉक अवे करने में भी टाइम नहीं लगाएंगे, ठीक है। ये बहुत अच्छे से इस बात को समझता है। नो मूफी, ठीक है। डो टू स्प्रेड, क्लैरिफाई डिसीड एंड इनडिसाइजिव, भाई थर्ड पार्टी है आप लोगों के बीच, ठीक है। यहाँ पे कम्युनिटी, आप लोगों के बीच ये जो कंफ्यूज रहता है ना कोई थर्ड पर्सन है, कोई ना कोई थर्ड पर्सन है जो आप लोग का कनेक्शन खराब करवाता है, जो आप लोग के बार बार कनेक्शन में कनेक्ट होता है। यहाँ पे कम्युनिटी का कार्ड आया है, डिसीट और इनडिसाइजिव एनर्जी में यहाँ पे थर्ड सिचुएशन इन्वॉल्व है जो बार बार इस पर्सन को आपसे डिस्ट्रैक्ट कर देती है, ये बार बार भटक जाता है किसी और की वजह से आपकी लाइफ, ठीक है। बार बार ये जानता है इसका आपके साथ फ्यूचर है, ये जानता है आपके साथ चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी, और ये जानता है कि आप एक एक राइट पर्सन है इस पर्सन के फ्यूचर के लिए, इस पर्सन की लाइफ के लिए, फिर भी ऐसा करता है, ठीक है, ये फिर भी ऐसा करता है। और जब आप नहीं होते उस चीज़ का एहसास इसको बहुत अच्छे से होता है कि आपकी क्या वैल्यू है, आप क्या वर्थ रखते हैं, और यहाँ पर इस चीज़ को भी देखता है कि अगर यहाँ पर ये सब कुछ चलता रहा, जरूरी नहीं आप हमेशा इसकी जिंदगी में वापस आएंगे, ठीक है। चलें देखते हैं इस वक्त इस पर्सन की क्या एनर्जी है आपको लेकर, लेट्स सी आपके बिना इस पर्सन की इस वक्त क्या एनर्जी है, आपके बिना इस पर्सन की इस वक्त क्या एनर्जी है, आपके बिना इस वक्त की क्या एनर्जी है, आपके बिना इस वक्त इस पर्सन की क्या एनर्जी है। अटैचमेंट, इस पर्सन की अटैचमेंट्स हैं आपसे, ठीक है।
बहुत ज़्यादा इस अटैचमेंट को मिस कर रहा है, अटैच है ये पर्सन आपसे, ठीक है, एक मिसिंग एनर्जी, स्ट्रॉन्ग वार्निंग आप लोग के बीच, एक जो भी स्ट्रॉन्ग वार्निंग आई हुई, ये पर्सन इसको ऐसा, इसको पसंद नहीं कर रहा, ये डिस्टेंस एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ये डिस्टेंस पसंद नहीं कर रहा, ठीक है, एक्शन, ये पर्सन एक्शन लेना चाह रहा है इस कनेक्शन में, ठीक है, क्योंकि अटैच है, ये नहीं चाहता कि चीज़ें ऐसे ख़त्म हो, ये नहीं चाहता कि चीज़ें ऐसे ख़राब हो, ये अपने माइंड को एक मतलब के कोई एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई डिसीजन मेकिंग करना चाहता है, ये जानता है कुछ चूज़ करना है आपके लिए, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है ये पर्सन, ठीक है। यहाँ पे है एप्रिसिएशन, ठीक है, ये आपको भी अप्रिशिएट करता है और आप भी जानता है, ये भी जानता है कि आप भी सोच रहे होंगे, आप भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होंगे, ठीक है, कॉर्नोकोपिया, चीज़ों को फिक्स करना चाहता है, ठीक है, इस पर्सन ने सोच लिया है कि आपके साथ चीज़ें फिक्स करनी है, ऐसे नहीं चल सकती, ठीक है। यहाँ पर मैजिशियन इन द मिरर, ठीक है, ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट भी कर रहा है और फ्यूचर के लिए एक अच्छी होप रखता है, ठीक है। यहाँ पर इस पर्सन की लाइफ में कोई ना कोई फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा, ये अपने फाइनेंसिस को भी बहुत ज़्यादा फोकस है अभी, ठीक है, जो आपके बिना इसका फाइनेंसिस पे बहुत ज़्यादा फोकस है, बहुत ज़्यादा आपको सोचे ना, अटैचमेंट की तरफ बहुत ज़्यादा ये कनेक्ट ना रहे या आपके आपकी यादों में ना रहे, तो क्या करता है अपने फाइनेंसिस पे काम करना शुरू कर देता है, बहुत ज़्यादा एक्शन, ये जानता है इसके उसको कुछ डिसाइड करके आपकी तरफ एक्शन लेना चाहिए, दिन रात सोच रहा है, कोई स्ट्रेटजी कोई दिमाग बना रहा है, द थिंकिंग वूमेन, बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेटजी बनाना, सोचना, ओवर थिंकिंग करता है, ठीक है, ये आपको लूज नहीं करना चाहता, मैं इतना आपको क्लियरली कह सकती हूँ, ठीक है, आपके साथ दोबारा मैनिफेस्ट कर रहा है चीज़ें, ये अपनी अपनी लाइफ में जब इसको लगता है कि बहुत ज़्यादा याद कर रहा है आपको, अपने फाइनेंसिस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने लग जाता है, ठीक है, ये अपने आप को हील कर रहा है, रेस्ट एंड रिजुविनेट की एनर्जी, ठीक है, एक हीलिंग की एनर्जी, ये पर्सन खुद को हील करना चाह रहा है, ये पर्सन राइट डिसीजन मेकिंग करने के लिए कुछ डिसाइड करना चाह रहा है और खुद को हील करना चाह रहा है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इसका लक भी लेकर आते हैं, डोर टू वैल्यू, ठीक है, इस पर्सन ने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली इशू देखा है, जब से ये आपसे कनेक्ट हुआ है इसने अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा एक मनी और एक बैलेंस लाइफ देखी, फाइनेंशियली तौर पर इसकी ज़िंदगी में बहुत बैलेंस आया था जब से आप इसकी ज़िंदगी में कनेक्ट हुए, ठीक है। हैप्पी फैमिली, ये आपके साथ हैप्पी फैमिली बनाना चाहता है, ठीक है, ये बहुत एक प्लस पॉइंट इस कनेक्शन की सोच रहा है, क्या क्या प्लस पॉइंट है यहाँ पे, जब आप आए इसकी लाइफ में क्या क्या हुआ है, बिल्कुल ये आपके साथ कोई न्यू बिगनिंग करना चाहता है, आपके बिना खुश नहीं है, ठीक है, बहुत एक मिसिंग एनर्जी, आपके बिना खुश नहीं, कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहता है, कॉन्ट्रैक्ट, ये आपसे मैरिज का सोच रहा है, ठीक है, मैरिज कमिटमेंट, मैरिज को लेकर बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड है, कोई स्टेबिलिटी देना चाह रहा है, द जर्नी, इस पर्सन की आपके साथ जर्नी रही है, ठीक है, आपने आप लोगों ने बहुत सी चीज़ें एक साथ एक्सपीरियंस करी है, मैन होल्डिंग अ कॉइन, कोई स्टेबिलिटी देना चाह रहा है, बहुत ज़्यादा फोकस है अपने पेंटिकल्स पे, अपनी स्टेबिलिटी पे, लेकिन यहाँ पर ही यह चाह रहा है आपके साथ कोई न्यू जर्नी मैनिफेस्ट करना, ठीक है। थिंकिंग मैन एंड थिंकिंग वूमेन, आप दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आप लोग बहुत अरसे से इस जर्नी में, ठीक है, थिंकिंग मैन भी आ गया, थिंकिंग वूमेन भी आ गया, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, आप दोनों ही एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, एंजल ऑफ लव, ये पर्सन आपसे लव करता है, ठीक है, ये पर्सन आपको एक बैलेंस, एक कमिटेड पर्सन देखता है, आप नहीं होते, बहुत कुछ रियलाइज़ करता है, अपनी गलतियों को भी रियलाइज़ करता है, इसने कहाँ कहाँ मिस्टेक्स किए हैं, इसने कहाँ कहाँ ऐसी गलतियाँ की हैं जो इस कनेक्शन को ख़राब कर रही हैं, ये जर्नी रही है, आपने बहुत कुछ अच्छा बुरा वक्त, एक एक धूप छाँव, सर्दी गर्मी, खजा बाहर, हर चीज़ आपने एक दूसरे के साथ देखी है इस कनेक्शन में, और बहुत कुछ समझा है, बाहर की दुनिया क्या होती है आपको भी पता है, बाहर के लोग कैसे होते हैं आपको भी पता है, और एक दूसरे का भी पता है, आप लोग कितने लॉयल और ऑनेस्ट हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, इस चीज़ को भी आप एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे द वर्ल्ड की एनर्जी है, कोई न्यू फेस, कोई न्यू आप सर्किल स्टार्ट करना चाहते हैं, एक कंप्लीशन हुआ है, एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं, इस कंप्लीशन के बाद कुछ न्यू बिगनिंग, इस कंप्लीशन के बाद कुछ न्यू स्टार्ट आप करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, आप बहुत एक स्ट्रेंथ पावरफुल पर्सन है, आप डिसीजन मेकिंग करना जानते हैं, ठीक है, इस पर्सन को ऐसा लगता है आपको डिवाइन प्रोटेक्ट करती है। डोर टू रोमांस, आपकी लाइफ में मतलब के आपकी लाइफ में रोमांटिक लाइफ के डोर ओपन हो रहे हैं, आपकी रोमांटिक लाइफ में एक न्यू सर्कल बिगिन हो रहा है, एक न्यू चैप्टर ओपन हो रहा है, एक न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपकी लव लाइफ में जो भी चीज़ें रही पास्ट में, बिल्कुल केयरिंग कनेक्शन, ये पर्सन बहुत ज़्यादा केयरिंग होने वाला है, बहुत ज़्यादा केयर करने वाला है, अगर ये सब कुछ आपको पहले नहीं मिला, लेकिन आपकी एक रोमांटिक लाइफ का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, एक न्यू जर्नी स्टार्ट हुई है, एक न्यू जर्नी, ये पर्सन आपके साथ किसी न्यू जर्नी पे जाने का सोच रहा है, ठीक है, जिसमें ट्रैवल होगा, जिसमें फैमिली होगी, जिसमें आपको वो न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट देगा, ठीक है, आपके साथ कुछ न्यू स्टार्ट करने के बारे में ये कम्प्लीटली सोच रहा है, ठीक है।
ये चाहता है ये एंजाइटी से बाहर निकले, इन डिसीजन से बाहर निकले, आपके लिए कोई डिसाइड करे। यहाँ पे डोर टू स्पिरिट, स्पिरिट इस पर्सन को बार बार कम्युनिकेट कर रही है, इसको बता रही है, यहाँ पे इस पर्सन को कह रही है यहाँ पे कुछ डिसाइड करे। ये टाइम है डिसीजन मेकिंग का, ये टाइम है आपके लिए एक्शन लेने का, ये टाइम है आपके साथ खड़े होने का, क्योंकि आप अपनी लाइफ में एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करना चाह रहे हैं, करने जा रहे हैं। नसीब तकदीर आपकी आपके फेवर में काम कर रही है, ठीक है। आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके बिना क्या हैं? आपकी पार्टनर की सिचुएशन तो हमने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करी है, न्यू बिगनिंग चाह रहा है, हैप्पी फैमिली। आपने कहीं ना कहीं इस पर्सन का एक बड़ा लक लक लेकर आए, ये पर्सन आपको एक लकी पर्सन, एक लक जैसे एक जुपिटर एनर्जी, ठीक है, एक जुपिटर एनर्जी की तरह देख रहा है। जुपिटर हमारा बहुत ज़्यादा लक को लेकर आता है, ठीक है। वीनस रोमांस, ठीक है, आपकी लाइफ का जो एक रोमांटिक जो एरिया था वो ब्लॉक था वो बहुत ज़्यादा अब एक्टिव हो रहा है, ठीक है। आपकी एक जो एक न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, आपको एक केयरिंग, आपको केयर देखने को मिलेगी, कोई आपको केयर करने वाला मिलेगा, ये आपको मिला नहीं है, ये आपको ऐसा लगता है सिर्फ आप ही लोगों की केयर करते हैं, आपको ऐसा कोई नहीं मिला, तो ये पर्सन अब चेंज हो रहा है, ठीक है। आपकी लाइफ का एक न्यू फेज स्टार्ट हो रहा है। इस पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर क्या हैं? एक ये देयर सिचुएशन विदाउट यू, ठीक है। आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं? सिचुएशन तो हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी है, और अब देखते हैं फीलिंग्स क्या हैं। भाई आपको मैसेज मिल सकता है, कोई इमोशनल मैसेज, ठीक है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, कोई इमोशनल मैसेज आपको मिल सकता है इस पर्सन की तरफ से, क्योंकि ये पर्सन खुश नहीं है अपनी लाइफ में, स्लीपलेस नाइट में। अगर इसने आपके साथ कुछ गलत करा है, कुछ मिसबिहेवियर करा है, तो रियलाइजेशन है, बहुत सी चीज़ों का अपना अंदाज़ा है इसने क्या किया है। थ्री ऑफ सोर्ड, ये खुद भी खुश नहीं है, जानता है इसने भी आपको भी हर्ट भी करा है, ठीक है। इसके पास वो कहते हैं ना, किसी को तंग करने के बाद, किसी को हर्ट करने के बाद वो पीस नहीं रहता, ठीक है। सिर्फ इसको लगता था सिर्फ आपको अटैचमेंट है, ठीक है। इस अटैचमेंट के कार्ड से इस पर्सन को ऐसा लगता था पास में आप अटैच हैं, आप चाहते हैं कनेक्शन को, लेकिन इसके दिल बता रहा है तुम भी नहीं रह सकते उसके बिना, ठीक है। तुम्हारा भी गुजारा नहीं है, तुम्हारी लाइफ को चेंज करने वाला वही इंसान है, ठीक है। तुम पहले जहां खड़े थे वहां से सोचो खुद को, जब वो आया है तब तुम्हारी जिंदगी कितनी चेंज हुई है, जैसे एक वक्त रियलाइज करा रहा है, इसकी सोच रियलाइज करा रही है, ठीक है। यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल, आपका कनेक्शन स्ट्रांगली किसी ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी से गुजर रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा पेजेस की एनर्जी नज़र आ रही है, टूट फूट का शिकार नज़र आ रहा है ये कनेक्शन, लेकिन एक फेस चेंज हो रहा है इस कनेक्शन का, ठीक है। फाइव ऑफ सूट, बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लगता है ये पर्सन आपके लिए कुछ एक, इसने आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करी है, इसने आपको, आपको चूज़ ना करके लोगों को चूज़ करा है इसने पास में। ये जानता था आप इससे लव करते हैं, ये जानता था कि आप इसको चाहते हैं, लेकिन इसने आपकी वर्थ को, वो वैल्यू, वो समझ, वो सब कुछ नहीं करा, ठीक है। टू ऑफ पेंटिकल, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज था आपके लिए, कोई एक डिसीजन, देखिए इन डिसीजन की एनर्जी पहले से आ रही, बहुत इनडिसाइजिव एनर्जी में रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक डिसीट, कुछ ना कुछ डिसीट देता रहा है, ठीक है। डेवलिश एनर्जी, यहाँ पे एक मैनिपुलेशन की, एक बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग, एक नेगेटिव तरीके से कंट्रोलिंग होती है। एक होता है यार अपने अपने पर्सन को प्रोटेक्ट करना, ये प्रोटेक्ट नहीं, ये पर्सन आपके साथ साथ कहीं और भी इन्वॉल्व रहा है, ठीक है। हील करना चाह रहा है, ये चाह रहा है अब सिचुएशन हील हो जाए, ठीक है, अब ये नेगेटिविटी से बाहर आए। इस पर्सन की फीलिंग्स ये हैं, स्टेबिलिटी देना चाह रहा है। मैंने पहले भी देखा यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल दोबारा आ गया, कोई स्टेबिलिटी, कोई स्टेबल कमिटमेंट, स्टेबल ऑफर। नाइन ऑफ कप्स के साथ ये पर्सन अब अपनी विश की तरह आपको देखता है, विश फुलफिलमेंट, ठीक है, कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। सेवन ऑफ कप्स, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप कंफ्यूज हैं, ठीक है, आपको पहले वाटर को टेस्ट करना पड़ेगा, वाटर कितना इस पर्सन के लिए कितना कैसा है, ठीक है, मतलब कि नॉर्मल है, क्या चल रहा है, तो वाटर टेस्ट करना चाहता है, ये देख रहा है आपके पास, आप कंफ्यूज हैं, आपके पास ऑप्शंस हैं, ठीक है। एट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ये अगर पास में वर्क नहीं कर रहा था तो इसकी फीलिंग्स में ये है कि वर्क करना है, मेहनत करना है, ट्रस्ट गेन करना है, आपका जीतना है दोबारा ट्रस्ट, ठीक है। आपके पर्सन की सिचुएशन आपके बिना तो बहुत समझदारी वाली है, ठीक है। टू ऑफ फैंस, डिसीजन मेकिंग चल रही है, कुछ डिसाइड कर रहा है कहीं ना कहीं, और मुझे ऐसा लग रहा है आप इस चीज़ का वेट कर रहे हैं पर्सन रियलाइज करें। आप बहुत कोल्ड और डिटैच एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं ये आपके अलावा किसी और के साथ भी कनेक्टेड था। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, ठीक है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ के ब्राइट फ्यूचर को, ब्राइट टाइम को, अपनी ज़िंदगी में आप स्टक नहीं रहना चाहते, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि आपको अपनी ज़िंदगी में किसी भी तरीके की स्टकनेस का सामना करना पड़े, आपकी लाइफ अब स्टक रहे, ठीक है। आप इस पैटर्न से बहुत ज़्यादा फेड अप, बिजार आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर एक जजमेंट है, ठीक है, आपको आपकी एक अवेकनिंग है, ठीक है, अवेकनिंग है, सोल अवेकनिंग है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, आप अवेकन हो चुके हैं। आप यहाँ पर कहीं भी आपकी ज़िंदगी में आप एक्शन लेने के लिए बने, स्टक रहने के लिए नहीं बने, ठीक है। आपको ये सिचुएशन सर्व नहीं करेगी, आप आगे बढ़ेंगे।
सिंगल इंडिपेंडेंट एनर्जी, आपकी बहुत एक ब्राइट ऑरा है, ठीक है, आपने अपने पर काम करा, अपने पर मेहनत करी है इतने साल, ठीक है। यहाँ पे टावर की एनर्जी है भाई, ये सडनली ऑफर करेगा आपको, ठीक है, टावर की एनर्जी, मेहनत करना चाहेगा, इस कनेक्शन में वर्क करना चाहेगा और कहेगा पास्ट को छोड़ो, फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, ठीक है, पास्ट को छोड़ दो, पास्ट को भूल जाओ, क्योंकि ये पर्सन अब एक सेम पेज पे आकर आपसे बात करना चाहता है, जो कि ये कर नहीं रहा था। क्योंकि यहाँ पर पता है क्या, ये क्यों नहीं कर रहा था, यहाँ पर आपकी वैल्यू ये समझ नहीं रहा था, अब आपकी वैल्यू समझ रहा है। टू ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये चाह रहा है टू ऑफ कप्स मतलब इक्वल बैलेंस, सेम पेज पे आना, एक इक्वली रिलेशनशिप निभाना, ठीक है। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, ठीक है, आपको यहाँ पर कुछ देखने को मिल सकता है इस पर्सन, ये पर्सन जैसे अगर इसका पास कुछ रहा भी है तो खत्म कर रहा है, ठीक है, पास पैटर्न, पास सिचुएशन एंड हो रही है, एक एंडिंग हो चुकी है और अब ये बहुत स्टेबल और ग्राउंडेड होकर कोई डिसाइड, कुछ डिसीजन मेकिंग, ठीक है, ये अपने अपने बर्डन, अपने पास पैटर्न से निकलना चाहता है, बहुत ज़्यादा इसको इसको पीस नहीं मिला है, इसको वो सब कुछ करके इसकी सोल को सकून नहीं मिला है, ठीक है, तकलीफ में ही रहा है, चाहे कितना ही डिफेंसिव रहा, चाहे कितना ही वाउंडेड रहा, आप इसके एक अच्छे दोस्त और एक अच्छे साथी बन सकते थे, ये पर्सन ये बात जानता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस पर्सन के माइंड में है कि यहाँ पर कुछ अच्छा करना, हाँ बिल्कुल डिटरमाइंड है ये, एक क्लैरिटी के साथ आ गया, आपके लिए क्लियर है, अगर पास में क्लियर नहीं था तो अब आपके लिए क्लियर है, आपको इसका विजन आपके लिए क्लियर है, ये आपको देख रहा है, ठीक है, ये अगर पास में किसी और सिचुएशन में स्टक था, कंफ्यूज था, तो अब क्लियर हो चुका है, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है आपके पार्टनर के पास, ठीक है। अब ये मत समझे कि बेवकूफ़ इंसान है और अब बेवकूफ़ों की तरह ही अपना अपने वही डिसीजन मेकिंग करने वाला है, ठीक है, बहुत ज़्यादा होल्ड बैक कर रहा था तो अब होल्ड बैक नहीं करेगा, पास पैटर्न को, पास साइकिल्स को एंड कर रहा है, स्ट्रेंथ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ गैदर कर रहा है ये, क्योंकि इसने इसको पास से निकलने में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ का वो है, ठीक है, स्ट्रेंथ से काम करने वाला है ये, ठीक है। मैं सीडिंग को यहीं पर रखती हूँ, अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक करना दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, थैंक यू।